ट्रैफिक का सीन जो है ना यहाँ भी कुछ वैसा ही है, कुछ ऐसा कोई सडन कुछ चेंज नहीं है, बस प्रॉब्लम क्या है कि आज का जो सीन है वो सिलसिला कुछ ऐसा है कि मैंने सोचा कि ब्लॉग पहले घर से स्टार्ट करेंगे बट प्लान थोड़े चेंज होते रहे मुख्तलिफ। तो आज का जो सफर है वो शारजा से दुबई, ठीक है। तो किस तरह जाते हैं, किस तरह आते हैं, क्या करना है, उसका प्रोसेस सिर्फ सिंपल सा ये है कि यू जस्ट हैव एन ऑल कार्ड और आपको आरटी लेनी है। अगर शारजा से जाना है आपको दुबई तो आरटी लेनी है। दिस इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज फ्रॉम चाइना, बिलोंग टू चाइना बट ये ठीक है ना, बट ही हैज अ वेरी गुड स्किल। पंजाबी ये बहुत अच्छी बोलता है, अभी मैं आपकी बात कराऊंगा इस पर, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम बिलाल किस तरह से शारजा में आना है। हमने सिंपल हमारे स्टॉप से करीब पड़ता है कि स्टॉप जम्बो सोनी, हमने वहाँ से एक सिंपल आरटी में बैठे हैं और आरटी का सफर दिखाता हूँ आपको। नोल कार्ड में कितना चार्ज हुआ मेरा, अभी चार्ज नहीं हुआ, जब उतरेंगे फिर चार्ज। ओके, नोल कार्ड का हमने बैलेंस देख लिया, 20 rupees मेरे नोल कार्ड में है, तो वो वहाँ जाके बैलेंस हमारा कट जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अभी पहले मैं आपको ट्रैफिक का सीन जो है ना यहाँ भी कुछ वैसा ही है, कुछ ऐसा कोई सडन कुछ चेंज नहीं है, बस प्रॉब्लम क्या है कि ट्रैफिक के जो रीज़न है वो दो अलग अलग रीज़न है। एक ये है कि दुबई बहुत महंगा पड़ता है लोगों को, तो मोस्टली पीपल क्या करते हैं जो दुबई में वर्क करते हैं वो शारजा में स्टे करते हैं क्योंकि खर्चा कम पड़ता है। तो अभी हम अलवादा स्ट्रीट पर हैं, अलवादा सफ़ीर मॉल है इधर करीब में, और ये शारजा लाइट फेस्टिवल भी चल रहा है 8, 9, 8 से 19 February तक ये शारजा लाइट फेस्टिवल है। हाँ, ये भी चल रहा है, इसका मतलब ये है कि शारजा में लाइटें तो है बहुत ज़्यादा लेकिन ये एक फेस्टिवल बनाया है। तो ट्रैफिक की सूरत हाल आप देख रहे हो, अगर आप गलती से यहाँ पे कर लेते हो टैक्सी, तो लास्ट टाइम हमने टैक्सी का एक्सपीरियंस किया था वो बड़ा बुरा रहा था हमारे लिए, तो हमने दो स्टॉप्स चेंज किए उसकी वजह से, और डेरा बजते हमें बहुत टाइम लग गया था और चार्जेस टू मच। तो इसलिए हमने इस दफ़ा इंतखाब किया कि हम डबल डेगर बस में बैठेंगे और हम जाएँगे इस वक्त इस डेगर बस में, ठीक है। तो यहाँ से हम उतरना है हमें यूनियन के स्टॉप पर, वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा मेट्रो क्या होती है गरीबों। मेट्रो कम दो। शारजा और दुबई का जो जैसा कि पाकिस्तान में होता है ना टोल गेट, तो टोल प्लाजा जो होते हैं दिस इज़ द शारजा टोल प्लाजा, और इस पर अगर आपको सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि अल मंजर टोल गेट, तो सालिक इज़ द नेम कि आप जो है वो उसको टोल गेट भी कह सकते हैं। तो ये शारजा का टोल गेट है, जैसे ही जो है वो ये टोल गेट क्रॉस होगा तो हम दुबई में इंटर हो जाएंगे। सिंपल सी लॉजिक्स हैं यहाँ पे, रूल्स रेगुलेशंस ईच एंड एवरीथिंग इतना मतलब सही तरीके से फॉलो किया जाता है ना, कि ट्रैफिक भले चाहे जितना भी हो बट कोई भी जो है वो ओवरटेक नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी अगर ओवरटेक करता है तो इनके रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि आप कोशिश भी नहीं करेंगे। और अगर जहाँ लिख दिया कि जहाँ ट्रक अलाउ नहीं है तो वहाँ ट्रक अलाउ नहीं है, नो व्हीकल टू नो व्हीकल। तो दिस इज़ व्हाट शारजा एग्जिट टू अलवाहदा स्ट्रीट क्लोज्ड, अगर आपको सामने नज़र आ रहा हो बस ये टूल क्रॉस होते ही। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया, व्हेनेवर यू स्टार्ट योर ट्रैवल फ्रॉम शारजा टू दुबई, तो अगर आप टैक्सी करते हो, अगर आप न्यू ट्रैवलर हो तो ये आपके लिए ज़रूर बताऊँगा इसको, कि अगर आप न्यू ट्रैवलर हो तो जब भी ये क्रॉस करोगे ना तो 20 AED, बस ये चीज़ क्रॉस हुई 20 AED एक्स्ट्रा चार्ज आपके लग जाएगा क्योंकि टूल गेट क्रॉस करने का। तो इससे जब भी आप कभी शारजा हो या कुछ कभी भी दुबई जाना हो तो इन चीज़ों को आपको पहले से इन्फॉर्मेशन होगी तो आप इजीली अपने जो भी पैसे हैं वो सेव कर सकते हैं, या आप कम से कम अपना दिल मुतमिन कर सकते हैं कि हाँ यार ये होना है। तो अचानक से चोट लगती है ना वो बुरी लगती है, पता हो तो फिर इट्स ओके फाइन। तो फाइनली हम दुबई में इंटर हो गए हैं और हमारा प्लान है कि हम दुबई यूनियन पर उतरेंगे और वहाँ से फिर मेट्रो का सफ़र स्टार्ट करेंगे अपना, और आगे हमारा सफ़र काफ़ी आगे तक है फ़िलहाल, लेकिन अभी आपको बस ये वाला सफ़र ही दिखाते हैं।
और बाकी कोई भी एक्सपीरियंस, कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ अगर आपको पूछनी हो तो आप इजीली मुझसे पूछ सकते हो नीचे कमेंट्स करके। और अभी शारजा की बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, वो भी दिखाएंगे। दुबई सम टाइम कभी होता है, इंसान टाइम होता है तो घूमने के लिए निकल जाता है, तो आज बस ऐसे ही थोड़ा दुबई का विज़िट भी करना है और दुबई में एक साथ साथ एक काम भी है जिसे हम पूरा कर लेंगे। और बस यही सफ़र अभी हमारा जारी रहेगा मुसलसल। ये चीज़ें आप देखें कितनी खूबसूरत है। तो अलमंज़र एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ बीच भी है और उसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन अलमंज़र का मेरा प्लान है कि मैं अलग से प्लान करूँगा और एक अलग से अलमंज़र का व्लॉग बनाऊँगा आपको। तो अभी हम डेरा और बुहेल की तरफ जा रहे हैं। ये अलमंज़र बीच का अगर आपको बोर्ड नज़र आ रहा है कॉर्निश का, तो ये बोर्ड भी आप देख लें और साथ साथ इस सफ़र को भी इंजॉय करें। तो अब जो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे। The next station is Emirates Towers. المحطة القادمة هي أبراج الإمارات. The next station is Emirates Towers. फाइनली दुबई पहुंच गए हैं। मेट्रो का सफ़र अभी आपको दिखाना है हमें। इस वक्त वी आर हियर नियर फाइनेंशियल टावर और हम यूनियन के स्टॉप पर उतरे थे और जो हमारे कुछ चार्जेस कटे हैं कुछ अराउंड 10 rupees की समथिंग कटे हैं शारजा से, नहीं सॉरी 13 rupees की समथिंग कटे हैं शारजा टू यूनियन। देन वहाँ से हमने मेट्रो और अभी मेट्रो का सफ़र वापस भी दिखाते हैं चीज़ों का, क्योंकि सिनेरियो ये हुआ था कि बस वहाँ पे कुछ हमें कॉल आ गई थी तो कॉल के चक्कर में लगे तो कुछ थोड़ी सी जगह स्किप हुई, बट अभी हम चलते हैं दोबारा मेट्रो और मेट्रो का पूरा सफ़र प्रॉपरली मैं दिखाता हूँ। वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और हमारे जो काम थे थोड़े थोड़े बहुत सारे हो गए। अब आपको इस वक्त करंटली दुबई घुमाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ से प्लान है वी आर गोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल टावर टू बर दुबई। ओके, और अब जो सफ़र शुरू होने वाला है वो होने वाला है मेट्रो का। तो बट मेरी जो वो है एक वीकनेस वो है शूज़, तो ये मुझे मोस्टली देखने पड़ते हैं। बट अभी जो सफ़र शुरू होने वाला है मेट्रो का सफ़र शुरू होने वाला है और ये मेट्रो का सफ़र स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम फाइनेंशियल सेंटर टू जहाँ भी हमें जाना होगा, जहाँ भी हम स्टे कर सकेंगे, जहाँ भी हमें रुकना होगा। तो फिलहाल हम इस वक्त दुबई की मेन स्ट्रीट पर हैं। अगर आपको वो नज़र आ रहा हो पीछे थोड़ा सा, ये बहुत ये लोग जो है ना दिखाते हैं दुबई आने के बाद वो जो एक नाम सा लिखा हुआ है वो मैं मेट्रो में कवर अप करूँगा। अभी चलते हैं मेट्रो और मेट्रो का सफ़र कराते हैं और आपको पूरा दुबई घुमाने का प्लान है, बट देखें कहाँ तक घुमा सकते हैं। चलते सो राइट नाउ ये आर स्टार्टिंग। देखो गेट खुद खुलता है, ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ये हमारी, बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो हम चलेंगे अभी यहाँ से, ये मेट्रो स्टार्ट हो गया पूरा और तो अभी हम चलेंगे एस्केलेटर पर। ये है पूरा मेट्रो। यस बॉस, इधर से काम बोला था। वेयर? सो ये जो है वो प्रॉब्लम ये है कि ये नोल कार्ड होता है और नोल कार्ड जो है वो मुझे बेसिकली चार्ज करवाना है क्योंकि बैलेंस ख़त्म हो गया है नोल कार्ड में। तो दिस इज़ जस्ट लाइक अ कार्ड फॉर ट्रैवलिंग फॉर मेट्रो कार्ड सिंपल। तो अभी मेट्रो कार्ड चार्ज करवाता हूँ और साथ में फिर हम आगे सफ़र कर सकते हैं। पैसे बहुत कम बचे हैं, 8 rupees कुछ समथिंग, 8 dirham आई थिंक रुपये पाकिस्तानी है ना हम लोग इसलिए। फाइनली नोल कार्ड जो है वो हमने चार्ज करवा लिया और अब हम नोल कार्ड चार्ज करवाने के बाद अब हम जाएंगे थोड़ा सा उस तरफ मेट्रो के और फिर वहाँ से अपनी हमें जो है ना यहाँ पे लाइन चेंज करनी है। मेट्रो में देयर इज़ 2 lines, द वन इज़ रेड द सेकंड इज़ ग्रीन। तो अब हमें यहाँ से लाइन चेंज करनी है ग्रीन लाइन में जाना। सो हियर नाउ जो है वो प्लान ये है कि ग्रीन लाइन चेंज करनी है और अब हमें जाना है ग्रीन लाइन पर। तो देखते हैं कि हमारा सीन क्या है और हमारा दोस्त कहाँ रह गया। तो सीन ये है कि भाई प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना सिग्नल्स जो है ना वो बटे हुए हैं
अभी हमें जहाँ जाना है उस लोकेशन के लिए हमें ग्रीन लाइन के जो सिग्नल्स हैं वो दो ही जगह, एक बर्जमन और एक यूनियन, दो ही स्टॉप है जहाँ से ग्रीन लाइन टच होती है। और हमें ग्रीन लाइन के लिए यहाँ से बेसिकली जाना है पहले बर्जमन, फिर वहाँ से हम ग्रीन लाइन से बैठ के फिर दूसरे स्टेशन जा सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं जा सकते। अब आ गई है मेट्रो, आ गई है, मैं मेट्रो में चढ़ता हूँ फिर देखता हूँ। सो अभी उधर गए हम अपने भाई ये वाली मेट्रो से, मेट्रो में रश बहुत ज़्यादा तो मुझे अच्छा नहीं लगा उस पर कि मैं ब्लॉग वगैरह बनाऊँ। फिलहाल हम उतर गए हैं, अब यहाँ से रेड से कन्वर्ट होंगे ग्रीन पर। तो अब ग्रीन पे कन्वर्ट होने के लिए हमें एक एक फ्लोर ऊपर जाना पड़ेगा, बाकी ये वाली मेट्रो अभी चली जाएगी और हम रेड से उतरने का, तो हम यहाँ से एस्केलेटर लेंगे या हम लिफ्ट ले सकते हैं, तो हम लिफ्ट लेंगे उसके बाद ऊपर जाएंगे और वहाँ से भी ग्रीन पे अटैच करेंगे। तो लिफ्ट में लोग होते हैं, सब होते हैं, मतलब कोई बुरा ना मान जाए, इसलिए मैं वीडियो नहीं क्रिएट कर रहा। तो ना अब ऊपर जाके फिर ग्रीन लाइन जब स्टार्ट करूँगा तब बनाऊँगा, ठीक है। तो फाइनली जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर हम आ गए और जो ग्रीन लाइन मेट्रो है उसका सब इंतजार कर रहे हैं, हम भी इस ग्रीन लाइन के मेट्रो का इंतजार कर रहे हैं, जो हमें नेक्स्ट स्टेशन पर करना था, दैट इज़ द रीज़न। तो ये आपको सब लोग नज़र आ रहे हैं, इसका ग्रीन लाइन का इंतजार कर रहे हैं, हम भी जाएंगे इधर ग्रीन लाइन पकड़ेंगे और ग्रीन लाइन पकड़ने के बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेशन पे उतरेंगे। और फर्दर मोर अब जो मेट्रो का सीन है, मेट्रो बस ये है, इट्स अ गुड थिंग, वेरी गुड थिंग, बहुत इजीली और बहुत जल्दी स्टॉप आ रहे हैं। दुबई इज़ नॉट, इट इज़ नॉट एज मच एज बिग वी आर थिंकिंग अबाउट दैट, बट इट इज़ गुड, गुड फॉर खूबसूरती, सफाई सुथराई, डिसिप्लिन, मैनर्स, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। दैट्स वाई विजिटर्स आर हेयर, देर आर टू मैनी विजिटर्स, तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स डोंट नो कि लिफ्ट को ऊपर लेके जाना है, नीचे जाना है, और एक दूसरे से पूछ रहे हैं। इनफैक्ट हमने पूछा, बहुत से लोगों ने हमसे पूछा कि भाई क्या करना है, मतलब। तो अभी फिलहाल ग्रीन लाइन आ जाएगी तो फिर हम ग्रीन लाइन के आने, आई थिंक इट इज़ कॉलिंग, तो मैं जाता हूँ ग्रीन लाइन में, फिर आगे बात करते हैं। बहुत अच्छा है, और आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, पूछ सकते हो जो भी पूछना है, हर चीज़ का एक चीज़ के चार्जेस के बारे में जो पूछना पूछ सकते हो, और इंशाल्लाह पूरा दुबई घुमाऊंगा। लेकिन टाइम शारजा का पहले सारा सेटअप इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर दुबई की कंप्लीट ब्लॉग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर आगे का भी प्लान है बहुत सारी जगहों का। तो जैसे जैसे मुझे मौके मिलते जाएंगे मैं वो जगह स्टेप बाय स्टेप, बट इट इज़ नाउ मेट्रो इज़ कमिंग, तो आई एम गोइंग, तो अभी नेक्स्ट स्टॉप पर मिलता हूँ, मतलब जहाँ जरा बने रहो ब्लॉग के साथ, अब नेक्स्ट स्टॉप पर मिलता हूँ। इस वाली ग्रीन लाइन में हम आ गए यहाँ तक अपने जो एक डेस्टिनेशन जहाँ हमें पहुँचना था। तो फिलहाल यार मेट्रो का सफ़र इसलिए नहीं दिखाया मैंने कि रश बहुत ज़्यादा था, लोग बहुत ज़्यादा थे, तो अब अंदर यू नो व्हाट कैमरा निकालना है समथिंग लाइक, कोई डिस्टर्ब होता हमारी वजह से अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे कैमरा वगैरह यूज़ नहीं किया। बट मेट्रो इज़ सिंपल, सेम जैसे मैंने पहले दिखाई अभी दिखाई, सब कुछ सेम है। अब हमारा प्लान ये था कि हमें और भी सफ़र करना था, RTA में दोबारा सफ़र करना था, तो हम डेरा जाते वहाँ भी हम मेट्रो से फिर मूव करके हमें कोई ना कोई चीज़ चेंज करनी थी, हम यहाँ पे एक और काम भी था, तो हमने कोशिश की कि हम यहाँ पे दूसरा काम भी निपटा लें और साथ साथ जो है वो अपने ब्लॉग्स भी कंप्लीट कर लें। तो अभी हम जा रहे हैं एक और सिटी, यानी कि ये दुबई से ही थोड़ा करीब है, हम एक और सिटी जा रहे हैं। अब वहाँ पे जो हमारे जो एक दो प्लान्स हैं वो हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम निकलेंगे घर की जाने। जो आज का ब्लॉग था उसमें सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन थी कि शारजा टू दुबई और दुबई से शारजा किस तरह जाएंगे। तो दुबई तो आपने देख लिया, हम आ गए, चीज़ें वीज़ें उतनी ज़्यादा मैंने खुद से एक्सप्लोर नहीं करी चीज़ें, करेंगे पर मज़ीद नेक्स्ट ब्लॉग्स में और मज़ीद करेंगे, क्योंकि टाइम है अभी हमारे पास, हम कर सकते हैं इजीली। तो अब हम दिखाएंगे वापसी में शारजा का सफ़र RTA का, बीच के जो हमारे काम है वो हम सब निपटा लेंगे, उसके बाद मजीद आगे चलते हैं। कोई चीज़ पूछनी हो, कुछ ट्रैवल करना हो, इससे चढ़ के ना सांस फूल रही है, ट्रैवल करना हो दुबई में, कुछ पूछना हो, आप लोग कमेंट्स कर सकते हो इजीली। और इट इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अ वेरी गुड फीलिंग, और एनवायरनमेंट के हिसाब से ज़िंदगी आसान है भाई, आसान है लाइफ, बहुत आसान है, बहुत मज़े की है। तो नॉल कार्ड किस तरह से प्रेस करते हैं दिखाता हूँ आपको। सो दिस इज़ नॉल कार्ड, और वेन एवर यू वॉन्ट टू आउट एनी मेट्रो यू जस्ट प्रेस हेयर, ये ऑटोमेटिकली आपने वो काटेगा, और फिर यहाँ से निकलना ज़रूरी है, अगर आप निकले नहीं ना तो फिर फंस जाओगे और दोबारा आपको कार्ड री पोस्ट करना पड़ेगा। राइट नाउ हैविंग टी, तो सीन कुछ ऐसा है कि हवा बहुत अच्छी चल रही थी और साउंड मैंने चाय पीते हैं यहाँ बैठ कर, तो चाय का प्लान कर लिया। तो दुबई घूम ही रहे हैं फिलहाल, अभी एक जगह का और प्लान है,
अगर वो प्लान डन होता है तो फिर वो एक सरप्राइज है, वो सरप्राइज है, वो भी करेंगे यार। सरप्राइजेस नहीं खोलते, ऑडियंस फिर जो है ना भाग जाती है।